नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर के बाबा फार्म हाउस पर माथुर वैश्य शाखा सभा इकाई का होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा फार्म हाउस पर इस दौरान आयोजन से पूर्व बैंड बाजों के साथ प्रभात फेरी, महिला एवं पुरुषों द्वारा रंग बिरंगी माला एवं लोगों द्वारा अबीर एवं गुलाल लगाते हुए बैंड बाजों की धुन पर निकली। बैंड बाजों की धुनों पर युवा एवं महिलाओं द्वारा जमकर नृत्य किया गया। वहीं बाबा फार्म हाउस पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों की प्रतिभा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया गया एवं इन्हें इनाम भी वितरण की गई। इस अवसर पर जसवंत गुप्ता द्वारा MBBS एवं ITI के प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि हर साल जो मातृ वैश्य समाज के छात्र इन डिग्रियों को प्राप्त करेंगे उन्हें समाज द्वारा प्रोत्साहन के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मातृ वैश्य शाखा इकाई द्वारा 75 वर्ष की आयु पार कर चुके महिला एवं पुरुषों का सम्मान माल्यार्पण एवं शॉल उड़ाकर किया गया। इसके साथ ही पुराने गिले शिकवे मिलाकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कस्बा के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा विभिन्न तरीके के बनाए हुए भोज्य पदार्थों का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संदीप गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, रमाकांत बजाज, रतनपुर दास गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, ब्रजकांत गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, आनंद कुमार गुप्ता, विकास गुप्ता, श्री हलवाई एवं SD गुप्ता के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो देखते रहिए हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता। आज ये क्या प्रोग्राम था? होली मिलन समारोह अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा के बैनर तले आज होली मिलन समारोह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया बाबा फार्म मक्खनपुर में। उसमें सभी सुजाती बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कल्चरल प्रोग्राम भी कराया गया। इसमें कहाँ से प्रभात फेरी निकाली गई थी? यहाँ से सुबह 12:30 बजे पूजा टाकीज से प्रभात रैली का आयोजन किया गया और वो रैली जो है बाबा फार्म तक की गई और 4 जगह उसका स्वागत समारोह भी किया गया। इसमें भी सम्मान समारोह में क्या वृद्ध लोगों का भी सम्मान हुआ? जो 70+ के वृद्धजन थे उनका, सुजाती बंधु उनका, हमारे जो इसके कमेटी के मेंबर्स थे उन लोगों ने स्वागत किया।